नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम के रेलवे स्टेशन पर। बता दें कि समय जो हो रहा है रात के करीबन 8:30 बज रहा है और अभी हम मौजूद हैं, जैसे कि मतलब सासाराम रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दें कि दो दिनों से मैं लगातार अलग अलग जिले के अलग अलग सामुदायिक रसोई का मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और उसमें मैं एक पॉइंट हमेशा बताता था कि रोहतास जिले में एक सामुदायिक रसोई जो था, यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको गरीब असहाय और निर्धन लोग, और वो सामुदायिक रसोई में आने में सक्षम नहीं थे, उनको घर पे ही भोजन डिलीवर किया जाता था। इसी का हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं कि आखिर क्या सच में गरीब लोगों को और निर्धन लोगों को जो सामुदायिक रसोई में जाने में सक्षम नहीं है, उनको घर पे भोजन डिलीवर किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इसी रोहतास जिले के इसी मॉडल को देखते हुए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने रोहतास जिले के इस मॉडल, जैसे कि भोजन को होम डिलीवरी करना, इसको लेकर पूरे बिहार में इन्होंने लागू किया था। इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ पर भोजन डिलीवर किया जा रहा है, जो कि सासाराम नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो भोजन प्रबंध किया गया था उन्हीं की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। और जो डिलीवर कर रहे हैं ये हमारे यहाँ के जिला के स्थानीय वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, सरदार परमजीत सिंह और अंकुश सिंह। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये आज पहली बार भोजन करने आए हैं कि इससे पहले भी ये यहाँ पे भोजन करते थे। अच्छा, ये बताइए कि आज पहली बार आए हैं कि पहले भी आते थे? पहले आए थे। पहले आए हैं? हाँ। आज आपका पहली बार है? तो आज ये इनका पहली बार है। अगले हम किसी से बात करते हैं और जानते हैं कि अच्छा, ये बताइए कि आप पहली बार आज भोजन करने आए हैं कि पहले भी आए हैं? एक बार पहले खा चुके हैं। पहले खा चुके हैं? अच्छा, कब से खा रहे हैं आप? एक समय और आए थे, कल आए थे। कल कितने बजे भोजन आया था? 8:30 बजे। 8:30 बजे तो भोजन रहता कैसा है जी? भोजन कैसा रहता है? ठीक रहता है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? मैंने सही बताइए। सही है। भोजन में क्या क्या रहता है? दाल भात चावल और सब्जी रोटी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम कुछ और लोगों से जानेंगे। अच्छा, ये बताया जब का पहली बार है कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं? पहली बार है। तो पहली बार इनका ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए रोज पहली बार खाना खाया है बनी? ना, ये 3-4 बार ले मिलता है। 3-4 बार से मिलता है? हाँ। तो भोजन कैसा रहता जी? बढ़िया रहती है। बढ़िया रहती है? झूठ नहीं ना बोला? नहीं नहीं, सही बोल। मैंने डेरात नहीं ना? आई डेराई काहे के भैया। अच्छा, भोजन में क्या कर रहे? दाल रहेला, भात रहेला, सब्जी रोटी। रोटी कच्चा कच्चा ना मिला? नहीं नहीं, कच्चा बोला। सही बोला है। अच्छा, सुनने में आया कि सरकारी जहाँ खाना वाना मिले दाल पानी जिसन रहेला, एकर दाल कैसे? बढ़िया है। झूठ नहीं ना बोला? खुश नहीं ना करती लोग के खानवा? नहीं 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 नहीं, खुश का करती? खुश उस मत कराओ, जेवन है तेवन बोलेंगी। अच्छा बाबा, रोज खाना खाया ही नहीं? हम तो रोज खाते हैं। रोज खाता नहीं? तो ये बताएं कि खाना कितना दिन से रोज खाते नहीं? वैसे दाल भात रोटी सब्जी। अच्छा, खाना रहेला कैसे? बढ़िया। बढ़िया रहेला? अच्छा, कब कब खाई ना? ये लोग बतावे लगे सुबह में हमने के बैठे जा, शाम में बैठे नहीं जा? सुबह हम ना खाते, हमने एक टाइम ही टाइम आओ थे जा। शाम में आ पाई ना? सुबह मेहमान ना रही ना? नहीं, सुबह मेहमान नहीं रहते हैं। अच्छा, ये बताइए रुआ कि रुआ आज पहला बार खाना खाई बने कि रोज आई ना? हम तो रोज आते हैं सर। सुबह शाम? नहीं, खाली शाम को। खाली शाम को आते हैं? अच्छा, ये बताइए खाना रहता कैसा है जी यहाँ का? खाना सही रहता है सर। खाना में क्या क्या रहता है? चावल दाल सब्जी रोटी। ये बताइए चावल बढ़िया से पका रहता है? ठीक रहता है चावल। ठीक रहता है ना? कि सब लोगों को सुन के आप भी बोल रहे हैं कि ठीक लगता है? नहीं नहीं, काहे के लिए बोलेंगे, जो रहेगा सही वही बात बोलते हैं। मैंने डेरा वरा नहीं ना रही है? नहीं, काहे के लिए डराएंगे? मैंने डेरा रही होंगे कल से कहना आपको खानवा बंद कर देगा। नहीं नहीं, वो सब बात ना है। ऐसा बात नहीं है ना? ना। चलिए, तो हम आगे और बढ़ते हैं और भी हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे ये है अभी भोजन ग्रहण कर रहे। अच्छा, ये बताइए पहला बार खाए बनी की से पहले आयल बनी? खाना कैसा रहता जी? ठीक बा। खाना में क्या कर रहा था? दाल भात सब्जी। अच्छा, दाल भात सब्जी बस? रोज एक ही खाना रहला दाल भात सब्जी? नहीं, कभी सब्जी भात रहला, कभी दाल भात रहला। अच्छा, तो दाल कैसा रहता? दाल मतलब सुने में आया कि पानी जैसा नहर के पानी वगैरह में डाल दी? ना ना, ठीक बा। जो बात लिखे ना नहर के पानी लिखे ना रहते लिखे ना सब डेरा बा। मैंने डेरा था कभी कैन खाना वाना बंद हो जाए कर दिया जा? नहीं, डेरा क्यों चल रहा? ना ना ना, कोई बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए करो खाना के पहुंचावे वाला के के आवेल सब सरदार जी आवेल 5-6 सब मिल गए? अच्छा, तो ओहन जना लोग कितना बजे तक खाना खिल पहुंचा देवे लन जाई? 8 बजे तक। 8 बजे तक आ जाला? हम आगे बढ़ते हैं।
खाना मिलता है लेकिन नगर परिषद वाला में खाना नहीं हम लोग को मिलता है। वहाँ लेडीज बोलती है कि खाना नहीं मिलेगा, वहाँ आधा पेट खाना खिला के भगा देती है वहाँ। अच्छा, नगर परिषद कहाँ? नगर परिषद में कहाँ? वो जो एती है ना वहाँ पे ओजा टाउन हॉल में, वहाँ पे खाना आपको नहीं मिल रहा है? वो उल्टा सीधा बोलती है। क्या बोलता है जी? लेडीज है, पतले पतले, वो बोलती है खाना नहीं मिलेगा, भगा देती है वहाँ से, आधा पेट खिला के भगा देती है। ऐसा है क्या? और क्या खाना इस रहता है? सही बताइए, खाना कैसा रहता है? खाना सही रहता है लेकिन थोड़ा चावल मंगला पर बोलती है कि जल्दी, एक लंबे लंबे हैं वो बोलते हैं कि जल्दी निकल जाओ खा के, जल्दी निकलवा देता है, खाना नहीं देता है? नहीं, खाना नहीं, भर पेट मिलता है। इस सब ले पूछ लीजिए। अच्छा। और लोग है पूछ लीजिए, मतलब इसलिए आप यहाँ पे आके खाते हैं? क्या करें सर, स्टेशन पर यही रोटी है, दो गो रोटी चावल मिलता है, खाते हैं हम लोग गरीब। हम दिए बारून के रहने वाला है। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ पे हम तो 10 साल ले हैं सर। 10 साल लेबर के काम करते हैं। काम बंद है? काम बंद है, काम नहीं मिल रहा है लॉकडाउन। अच्छा, में ठीक है, आपके हम बात हम जो नगर परिषद से करेंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, सुनाता हुआ? हाँ। सुनाता? हाँ। खाना कितना दिन से खाया होता? नहीं आज हो गए, कहिया बताता बेटा, पहले के दिन से खाता नहीं का? हाँ हाँ हाँ। खाना कैसा रहता जी? बढ़िया बेटा, ररन के हम पहाड़ी इलाका के ही पला मुखे। अच्छा। हाँ, ररा बुझ ले जात के खेरवार ही। अच्छा। हाँ, बढ़िया खाना बार बेटा, ना हम नहीं तू कब मैंने कोनो शिकायत उकायत? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। डेरात नहीं ना समय लगता सब कुछ डेरा था कि ना उनके बता दिए सही तो खानवा बंद हो नहीं बेटा हम चल भरल पुलिस के थाना पर बोल जाए ना ना अच्छा यहाँ के पूरा थाना में बोल दे उनका कौन यहाँ बात के डर नहीं के यहाँ पे और बनी यहाँ से बात करते नहीं। अच्छा ये बताइए, पहला बार खाए बनी की रोज खाए ना? 5 दिन खाता नहीं। 5 दिन से खाता नहीं? खाना की क्वालिटी कैसा रहता जी? ठीक है। खाना कितना बजे तक वो मिल जाला? एक टाइम पर शाम तक। हाँ। सुबह में ना मिल लगा? सुबह मिल लगा। सुबह में रुक है ना? 12 बजे। 12 बजे जला। खाना कौन सी कहत? कभी नहीं। मैंने खाना पहुंच जाता के रुपए को पहुंचा वाला जी खाना? अंतर नाम नहीं जाना। नाम नहीं जाना तो ना। नाम नहीं जाना। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, हम इन सभी लोगों से बात किया। और हालांकि एक व्यक्ति का यहाँ पे शिकायत था कि नगर परिषद के द्वारा जो कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है वहाँ पर इनको खाने नहीं दिया जाता है। इन्होंने शिकायत किया कि इनको भरपेट वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, इस मजबूरन यहाँ पर आके ये खाना खाते हैं। और हम बात करेंगे उन लोगों से जो लोग यहाँ पर खाना पहुँचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से भोजन दिया जा रहा है, जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन भोजन पहुँचाने का, चाहे वो कितना भी बरसात हो या फिर कितना भी तेज धूप हो, सभी मौसम में ये लोग लगातार एक भी दिन एब्सेंट नहीं करते हुए रोज़ भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी को देखते आपको मैं बार बार बता दूँ कि रोहतास जिले के इसी मॉडल को देखते हुए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में लागू कर दिया और तीसरे जिले में इसको लागू किया कि सभी डिस्ट्रिक्ट में भोजन को होम डिलीवरी किया जाए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सरदार परमजीत सिंह जी हैं और ये लगातार रोज भोजन की डिलीवरी यहाँ पे करने आते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कब से डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ भोजन? जब से सरकार के नियमावली से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है कि बिहार राज्य में कोई भूखा ना रहे, रोहतास के DM धर्मेंद्र सिंह जी और नगर आयुक्त सासाराम के अभिषेक आनंद सर ने हम लोग के सहयोग लेते हुए कहा कि ये एक अवसर है कि इस अवसर में पैसे से ज़्यादा किसी का दुख में साथ देना सबसे बड़ा धार्मिक कर्म होता है और एक महत्व होता है। तो उसे मोटिवेट होकर हम लोगों ने हर वो भूखे के पास जो खाना बने हुए हैं, पौष्टिक खाना बने हुए हैं समुदाय किचन से, हम किसी कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या पूरे शहर में घूम घूम कर असहाय लोगों को, भूखे लोगों को रोटी खिला रहे हैं। कब 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 आप लोग डिलीवर करते हैं भोजन और कहाँ कहाँ करते हैं? दोपहर में 1 बजे भी हम शहर से निकलते हैं और कम से कम 1:30 बजे या 2 बजे तक स्टेशन पर भी हम लोग आ जाते हैं, यानी कि अभी 2-3 घंटे में हम लोग पूरा दोपहर में कर लेते हैं। उसके बाद रात्रि में भी 8 बजे तक हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो आपका वीडियो आया था कि आप लोग बरसात के दिनों में भी आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या मैंने बरसात के दिनों पे एक दिन एब्सेंट हुआ था कि नहीं होता, आप बताइए? कभी एब्सेंट नहीं हो सकता है, भोजन जब से चल रहा है तब से लगातार। हाँ हाँ, लगातार इसलिए हम आ रहे हैं कि हम इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस अवसर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इस छोटे सी बरसात
ठीक है, तूफान आंधी हमारे अंदर की शक्ति को तोड़ नहीं सकता है। हमारे देखे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि किसी भी तरीके का अगर शहर हमारा है, जो परेशानी हो तो सरकार के सहयोग लेकर हम उन सुविधाओं को पहुँचाएँ ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। आज यहाँ पर लॉकडाउन के नियम के कारण होटल रेस्टोरेंट सारा चीज़ बंद था, लोग भूखे घूम रहे थे क्योंकि कहीं कहीं भी वैक्सीनेशन लेने आते थे, कोई कोविड के पेशेंट के फैमिली आते थे, उन सभी को हम लोग भोजन पहुँचाए हैं। इसमें हमें किसी चीज़ से डरने के लिए अंकुश हमारा साथी है, बहुत सहयोग किया है, हमारे गार्जियन आलोक चा भी हैं वो भी सहयोग किए। जाते हैं तो हमारा आखिरी सवाल आप लोगों से रहेगा कि आप ही बताइए कहीं चुनाव उनाव लड़ने का मूड नहीं ना है? नहीं, चुनाव तो अलग पार्ट है, उससे हमारी यहाँ रिएक्शन नहीं है। आज के समाज में अगर कोई सोशल वर्क करता है तो लोग तुरंत उसको इस एंगल से देखने लगते हैं कि चुनाव लग रहा है कि लड़ना है उसको, तब भी ये करना ना, ना ऐसा चीज़ नहीं है। हमें थोड़ो ना विधायक बनना है कि हम सासाराम का ठीका लेकर चलेंगे, ऐसा कोई संदेश नहीं है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो लोग भूखा है उनको रोटी खिलाकर हम निश्चिंत नींद दें ताकि कोई भी हमारे शहर में भूखा ना रहे। अब हम बात करेंगे अंकुश जी से, तो परमजीत सरदार परमजीत सिंह जी हैं जो लगातार जब से यहाँ पे लॉकडाउन लगा और जब से सामुदायिक रसोई भोर संचालन आ रहा है उसी समय से भोजन जब से डिलीवर ये लोग करते आ रहे हैं। अंकुश जी से बात करें, अंकुश जी ये बताइए कि आप कब से यहाँ पे डिलीवर करने आ पाते हैं? आज हम लोग का 20 दिन हो गया। मतलब सासाराम रेलवे स्टेशन पे करते हैं क्या? नहीं नहीं, पूरे शहर सासाराम में। पूरे शहर कहाँ कहाँ, लोकेशन का नाम बताइए। जैसे मैं मतलब यहाँ से हम लोग निकलते हैं तो गोला उला धर्मशाला होते हैं महावीर स्थान, मतलब पूरे अपने शहर को टच करते हैं। जहाँ कोई दिख गया वहाँ पे जाके हम लोग उनको दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर में भी जाते हैं, जैसे मुकर हम लोग चले जाते हैं, मुकर से तालाब से फोन आता है, इधर फोन आता है, फोन आता है नंबर, मतलब जिला प्रशासन द्वारा आप लोग का नंबर जारी, धर्मेंद्र सर ने हम लोग का जिला प्रशासन हम लोग का नंबर जारी किए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को भोजन डिलीवरी करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानियाँ कोई नहीं आती हम लोग को, बहुत बड़ा सहयोग मिला धर्मेंद्र सर का, अभिषेक आनंद सर का बहुत बड़ा सहयोग है इन लोग का। अच्छा आप लोग टाइमली पहुंच जाते हैं यहाँ पे? टाइमली पहुंच जाते हैं यहाँ पे। ये अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके मतलब को फीडबैक लेने का प्रयास करते हैं कि भोजन कैसा लग रहा है, भोजन की क्वालिटी क्या है। हम लोग कितने बार लोगों से पूछे हैं खाना कैसा है, लोग बहुत अच्छा खाना बोलते हैं। हमारे एक जो खाना बनाने वाले हैं जो हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है और बहुत अच्छा खाना देते हैं यहाँ पे। अच्छा आप लोग खुद एक युवा हैं और इस नए कार्य में आप अपना सहयोग दे रहे हैं, तो आप शहर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपको संदेश देना हो शहर के युवाओं को, हम कहेंगे कि सब लोग इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो अभी हम बात कर रहे थे अंकुश जी से, ये लगातार आपको मैंने फिर से बता दूं कि सासर जिला प्रशासन और बिहार सरकार की तरफ से भले ही सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जो भोजन की डिलीवरी का काम, जो गरीब तक भोजन को पहुंचाने का जो कार्य है, लगातार शहर के ही दो युवा हैं सरदार परमजीत सिंह अंकुश सिंह, दोनों लोगों से मैंने बात किया और दोनों लोगों से सभी मुद्दों पर उन्होंने बताया कि लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि भोजन डिलीवर करने में एब्सेंट हुआ। साथ साथ इन लोगों का नंबर भी जारी कर दिया गया, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको वहाँ उनके घर तक भोजन ये लोग पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये रहा सासाराम के रेलवे स्टेशन में हम अभी मौजूद थे और जैसा कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग बस यही रहा कि सही में होम डिलीवर हो रहा है फिर सरकार के कागज़ पर ही सिर्फ चल रहा है, इसी चीज़ का हम तहकीकात करने आए थे और जिसे पता लगा कि नहीं सही में भोजन का होम डिलीवरी किया जा रहा है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो यहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा रहा है और सुबह और शाम में दो टाइम भोजन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ, धन्यवाद।